अश्विन सर्वानंद द्वारा डायरेक्ट गेम ओवर मूवी इंडियन सिनेमा की एक बेहतरीन मूवी है, जिसको हिंदी वर्जन में लाने का काम अनुराग कश्यप और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपने सोर्स कोड मूवी तो देख ही रखी होगी। उस मूवी को देखने के बाद भी हमारे मन में कई सारे सवाल रह जाते हैं। मैंने सोर्स कोड को एक्सप्लेन किया हुआ है, ऊपर आई बटन पर ये लिंक शो हो रही है, जहां आप पूरी स्टोरी सुन सकते हैं और जिन्होंने ये मूवी देख रखी है उनको उसके जवाब भी मिल जाएंगे। ठीक इसी टाइप की ये मूवी भी है। गेम ओवर मूवी के कुछ इंसिडेंट्स टुकड़ों में हमें दिखाए गए हैं। मैं आपको सीक्वेंस वाइज स्टोरी दिखाऊंगा। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से, जो कि अपने घर में अकेली रहती है, जिसके हाथ पर टैटू बना हुआ है। ये तीन दिल उसकी तीन जीत को शो करते हैं, जो हमें मूवी में बाद में बताया जाता है। दिसंबर चल रहा है और एक रात इसी लड़की के घर एक किलर घुसता है, जो कि उसको पहले तो फॉलो करता है और उस किलर के हाथ में एक कैमरा भी था जो कि सब शूट कर रहा था। फिर वो लड़की के फेस को पॉलिथीन से कवर कर बांध देता है और उसके हाथों को भी बांध देता है, जिससे लड़की को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। फिर दिखाते हैं वो किलर उस लड़की का सिर काट कर उससे फुटबॉल खेलता है और उसकी बॉडी को चेयर पर बिठाकर उसमें आग लगा देता है। उसी साल 31 दिसंबर वाली रात तापसी पन्नू और सपना के साथ एक हादसा होता है। वो पार्टी में जाती तो है, पर जिस लड़के के साथ जाती है वो उसे चीट करता है और सपना को एक रूम में बंद कर उसका रेप करता है और उसके वीडियोस और फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। अब हमें एक साल बाद की कहानी दिखाते हैं। तब हमें पता चलता है सपना अकेले एक बड़े से घर में रहती है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और उसकी मेड कलम्मा 2400 घंटे उसके साथ रहती है। सपना एक गेम डिजाइनर है और इसलिए वो काफी गेम खेलती भी है। उसने लेफ्ट हैंड की रिस्ट पर एक टैटू बनवा रखा है, जो कि हार्ट शेप का है। सपना अभी भी उस ट्रॉमा से गुजर रही है और अभी भी अंधेरे में जाने से डरती है। जरा भी लाइट बंद होती है और अंधेरा होता है, वो घबराने लगती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे वो सांस नहीं ले पा रही। पर कलम्मा उसे नॉर्मल करती है और हर वक्त उसके साथ रहती है। वो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करती, क्योंकि उस हादसे के बाद वो उनसे अलग रहने लगी थी। एक दिन सपना के उस टैटू में अचानक से तेज दर्द उठता है, पर कुछ देर में वो ठीक भी हो जाता है। कलम्मा कहती है, ये टैटू तुमने एक साल पहले बनवाया था, अब इसमें दर्द नहीं उठना चाहिए, कोई और रीजन होगा। फिर सपना अपने साइकेट्रिस्ट से मिलती है तो वो बताते हैं कि पहले तुम्हारे साथ जो ट्रेजेडी हुई वो इसी वक्त हुई थी और न्यू ईयर का वक्त पास आ रहा है, इसलिए तुम्हें ये दर्द, हर वक्त घबराहट और डर फील हो रहा है। जैसे ही ये टाइम निकलेगा तुम नॉर्मल हो जाओगी। फिर एक रात काम करते करते उसके टैटू में फिर दर्द उठता है, तो नेक्स्ट डे सपना टैटू शॉप जाती है, जहां उसने ये टैटू बनवाया था। वहां सपना वर्षा से मिलती है तो वर्षा बताती है कि अगर रिएक्शन होना होता तो तभी होता, अब एक साल बाद दर्द उठने का क्या लॉजिक। पर एक बात है जो तब तुम्हें बताना रह गई थी, सपना पूछती है क्या। वर्षा कहती है, दरअसल कुछ टाइम से इमोर्टल इंक से बने टैटू बहुत फेमस हुए हैं। जब भी किसी पर्सन का कोई चाहने वाला इस दुनिया में नहीं रहता, तो वो पर्सन उसकी याद में एक टैटू बनवाता है और जिस इंक से वो टैटू बनवाता है उस इंक में हम उसके चाहने वाले की थोड़ी सी राख उर्फ भस्म मिला लेते हैं। फिर परमानेंट टैटू बनाते वक्त वो राख उसकी बॉडी में चली जाती है, जिससे उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि उनका चाहने वाला हर वक्त उनके साथ है। तो जिस दिन तुमने टैटू बनवाया था उसी दिन एक लेडी भी टैटू बनवाने आई थी और वो साथ में अपनी बेटी की राख लेकर आई थी, तो गलती से उसी इंक से हमने तुम्हारा टैटू भी बना दिया। सपना ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि उसकी बॉडी में किसी दूसरे की राख है और वो वर्षा पर चीखती चिल्लाती वहाँ से चली जाती है। देन वो घर आकर कलम्मा से बात करती है तो कलम्मा बताती है, तुम टेंशन मत लो, ये जस्ट एक टैटू है। देन नेक्स्ट डे सपना टैटू रिमूव करवाने के लिए जाती है, पर वहाँ जैसे ही वो टैटू रिमूव करवाना स्टार्ट करती है उसके तेज दर्द उठने लगता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर सीसीडी चली जाती है। पर वहाँ उसे दो लड़के पहचान लेते हैं और आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये वही है टैटू वाली, और एक दूसरे को उसकी लीक हुई पिक दिखाने लगते हैं। वो ये सब समझ जाती है इसलिए वहाँ से वापस घर आ जाती है, पर वो बहुत पैनिक होती है और इसलिए अब वो सुसाइड करने को तैयार हो जाती है। अब मौत से ज्यादा खतरनाक होता है डर, वो फांसी लगाने लगती है और कलम्मा बाहर से गेट खोलने को कहती है, पर इतने में पावर कट हो जाती है जिस वजह से सपना घबराने लगती है और गेट खोल देती है। अब कलम्मा उसे पैम्पर करती है। देन वो दोनों साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और सपना कलम्मा से कहती है वो डॉक्टर के पास जा रही है, पर वो ऊपर फ्लोर पर जाकर वहाँ से जंप कर देती है। पर नीचे जमीन पर गिरने से पहले जस्ट पहले उसके नीचे कार आ जाती है और सपना कार के कांच पर गिरती है, जिस वजह से वो मरती तो नहीं पर उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और अब उसे व्हील चेयर पर कुछ महीने निकालने पड़ेंगे।
ऐसे ही एक दिन सपना के घर की बेल बजती है। कलम्मा लाइव सीसीटीवी देखती है तो वहाँ वर्षा एक लेडी के साथ खड़ी थी। सपना मिलने से मना कर देती है पर कलम्मा उन्हें अंदर आने देती है। तब वो लेडी बताती है कि उसकी बेटी अमृता बहुत हिम्मत वाली थी। उसने 3 बार कैंसर को मात दी और हर बार कैंसर से जीतने पर उसने एक टैटू बनवाया। अमृता वही थी जिसका हमने मूवी के स्टार्टिंग में मर्डर देखा। जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके नेक्स्ट डे अमृता की माँ उससे मिलने आने वाली थी। अमृता ने कहा था, माँ आपको टैटू बनवाना पड़ेगा इसलिए मैं डायरेक्ट वहीं पहुँचूंगी, तुम भी वहीं आना। पर उससे पहले अमृता का मर्डर हो गया इसलिए अमृता की माँ ने उसकी राख लेकर उससे अपने हाथ पर टैटू बनवाया। अमृता की माँ आगे बताती है, वो कहती है अमृता बहुत हिम्मत वाली थी, वो हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहकर लड़ती रहती थी। ये सारी बात सुनकर सपना में भी हिम्मत आती है, वो भी थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगती है और डिसाइड करती है कि अब सिचुएशन कैसी भी हो वो उससे लड़ेगी, भागेगी नहीं, चाहे वो उस परेशानी से जीत ना पाए पर लड़ेगी जरूर। फिर वो टैटू रिमूव करवाने वाला अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती है। साथ ही कलम्मा से अपने पेरेंट्स को कॉल करवाती है कि वो कल सुबह उन लोगों से मिलने आ रहे हैं। पर उसी रात हमें दिखाते हैं कि सपना पर कोई नजर रख रहा है, जैसे स्टार्टिंग में अमृता पर रखे हुए था। सपना सो जाती है और कलम्मा भी वहाँ की लाइट ऑफ करके सोने चली जाती है। पर अचानक सपना की आँख 11 बजने से ठीक कुछ सेकंड्स पहले खुलती है। वो वहाँ अंधेरा देखकर फौरन लैंप ऑन करती है, तभी उसके हाथ में टैटू की जगह दर्द होने लगता है। पर तभी उसे विंडो पर कुछ आवाज आती है। सपना कलम्मा को आवाज लगाती है। कलम्मा मेन गेट के कैमरे में चेक करती है पर उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। वो सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाती है पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कलम्मा विंडो से देखती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इधर सपना को ऊपर से काफी तेज गेट की आवाज आ रही थी। कलम्मा थर्मस को मेन गेट के पास रखा देखती है जिसमें वो गार्ड अंकल को चाय भरकर देती थी रात के लिए। कलम्मा गेट ओपन कर उसे उठाने जाती है पर तभी उसके सामने कोई आ जाता है। वो चीखती है पर तब तक वो मर्डरर उसे मार देता है। उसकी चीख सुनकर सपना डर जाती है और वो व्हील चेयर पर जल्दी जल्दी आकर मेन गेट बंद कर देती है। फिर वो गेट के पास माइक सिस्टम से आवाज लगाती है गार्ड भैया को पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। देन वो विंडो से झांकती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है। कलम्मा झूले पर झूल रही होती है और उसकी बॉडी पर उसका सिर नहीं होता। पर फिर अचानक से सपना की विंडो के मिरर पर कलम्मा का सिर आकर गिरता है। ये देखते ही सपना व्हील चेयर से तेजी से अंदर वाले रूम में आ जाती है और रूम लॉक कर लेती है। देन वो पुलिस को कॉल लगाने लगती है पर मर्डरर घर की लाइट भी ऑफ कर देता है। अंधेरा होने की वजह से सपना रूम में घबराने लगती है और मोबाइल वहीं छोड़कर बाहर हॉल में जाने लगती है। बाहर आते वक्त सपना की व्हील चेयर पर्दे से इलचकर गिर जाती है। उसी वक्त अचानक फिर से सपना के हाथ में दर्द उठता है और वो देखती है कि उसके हाथ में एक की जगह 3 टैटू हैं। पर मर्डरर सामने ही खड़ा होता है जिसके एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में बड़ी सी तलवार होती है। सपना वहां से भागती है पर मर्डरर उसे मार देता है और फिर उसी तलवार से सपना का सिर काट देता है और उसका सिर कटते ही उसकी बॉडी से एक टैटू गायब हो जाता है। फिर मर्डरर उसकी बॉडी पर पेट्रोल डालकर जला देता है। हाँ, मर गई तुम्हारी तापसी पन्नू। देन फिर से सपना की आंख ठीक 11 बजे ओपन होती है। सपना फिर से लाइट ऑन करती है और अपने हाथ को देखती है। अब उस पर सिर्फ 2 टैटू थे और जो मैसेज पहले उसके मोबाइल में आया था न्यू ईयर वाला वही फिर आया। वो पहले से खिड़की की तरफ देखने लगती है और तभी खिड़की पर फिर आवाज होती है। कलम्मा बाहर देखने के लिए आती है। पहले की तरह उसे कैमरे पर कुछ दिखाई नहीं देता। इधर सपना बार बार उसे अंदर बुलाती है क्योंकि उसे पता था बाहर जाते ही उसके साथ क्या होने वाला है। पर कलम्मा कहती है, आती हूँ रुको, और वो गेट खोलकर बाहर जाने लगती है। पर तभी सपना कांच की बोतल को फेंकती है। फिर दिखाते हैं वो गेट बंद करके अंदर आ चुकी थी। तभी दोनों को ऊपर से आवाज आने लगती है। कलम्मा कहती है हवा की वजह से खिड़की आवाज कर रही होंगी। पर फिर सपना गार्ड अंकल को आवाज देती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर सपना और कलम्मा खिड़की से जागती हैं तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी दिखती है। ये देखते ही सपना पुलिस को कॉल कर अपना एड्रेस बताती है और कलम्मा सारे खिड़की दरवाजे बंद करती है। सपना पुलिस वाले से कहती है उसने गार्ड को मार दिया है। पुलिस वाले हुलिया पूछते हैं तो वो बताती है अपने पिछले एक्सपीरियंस के बेस्ड पर कि उसने मास्क पहना हुआ है, उसके एक हाथ में तलवार है तो दूसरे में कैमरा। पुलिस वाले कहते हैं हम आते हैं। फिर दोनों अंदर वाले रूम में चले जाते हैं। कलम्मा उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता ये सब, तो वो बताने वाली होती है तब तक पावर कट कर दी जाती है। फिर सपना बेचैन होने लगती है तो कलम्मा उसे बाहर चलने को कहती है तो सपना कहती है वो बाहर ही है, वो हमें मार देगा। लेकिन तभी मर्डरर बाहर से आग लगी पेट्रोल बोतल अंदर रूम में फेंकने लगता है। अंदर आग लगने की वजह से उन्हें हॉल में आना पड़ता है। हॉल में आते ही दोनों देखते हैं वो सोफे पर बैठा होता है। तभी गेट पर आवाज आती है
दो पुलिस वाले आ चुके थे। कलम्मा सपना की व्हीलचेयर दौड़ाती हुई गेट तक ले जा रही होती है, पर किलर कलम्मा को मार देता है और सपना को व्हीलचेयर से गिरा देता है और टॉर्चर करता है। गेट न खुलने की वजह से पुलिस वाला विंडो से झांकता है, पर उस पर कर्टन डले हुए थे। सपना सरक कर कर्टन हटा देती है। पुलिस वाला किलर को देख लेता है और बाहर से ही उसे शूट कर देता है और किलर भी मारा जाता है। नहीं नहीं, अभी मूवी खत्म नहीं हुई। इंस्पेक्टर सपना को घर से बाहर लेकर आता है, तभी सपना घर के अंदर किलर को देखती है। सपना बताती है कि वो अभी मरा नहीं है। इंस्पेक्टर सपना को अपने दूसरे साथी के साथ गाड़ी से पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। फिर हमें दिखाते हैं गाड़ी से जाते वक्त सपना उसके साइड मिरर में देखती है कि वो किलर सपना की व्हीलचेयर पर बैठा था, पर वो डेड था। फिर दिखाते हैं सेम टू सेम वैसा ही एक और किलर वहां आकर खड़ा होता है। सपना की आंखें तो तब फटी रह जाती हैं जब वो देखती है कि एक और किलर वहां आकर खड़ा हो गया। मतलब कि ये तीन साइको मिलकर एक साथ शिकार करते थे, ये किसी एक का काम नहीं था। और वो सपना को बाय बाय करते हैं। सपना गाड़ी रोकने को कहती है, तब तक हमें दिखाते हैं गाड़ी के पेट्रोल टैंक में आग लगी हुई थी और उसमें विस्फोट हो जाता है। अब सपना की नींद फिर से 11 बजने से ठीक कुछ सेकंड्स पहले ओपन होती है, पर इस बार वो लैंप ऑन नहीं करती और खुद को ऐसे ही नॉर्मल करती है। फिर वो अपने हाथ को देखती है, उस पर अब सिर्फ एक टैटू था। वो फौरन कलम्मा को बुलाती है और दोनों किचन में जाते हैं। फिर सपना पुलिस को कॉल करती है। इधर दिखाते हैं तीनों किलर घर के बाहर थे। किलर एक के हाथ में तलवार, किलर टू के हाथ में हसिया और किलर थ्री के हाथ में पेट्रोल बोतल थी। अब एक किलर पीछे से ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है और दूसरा फ्रंट डोर पर जाता है और तीसरा विंडो पर। इधर सपना पुलिस को बताती है तीन किलर है, सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया है, आप इस रास्ते से आइए, ये शॉर्टकट है। फिर वो कलम्मा से कहती है, पता नहीं पुलिस वाले हमें बचा पाएंगे या नहीं, पर ये मेरा लास्ट चांस है और हमें जमकर लड़ना होगा, क्योंकि हम तभी तक ये कह सकते हैं कि ऐसा कर लेते तो सही रहता, हमने ये क्यों नहीं किया। पर ये बाद में कहने का कोई मतलब नहीं होता और मरने के बाद तो कह भी नहीं सकते, कुछ करना तो दूर की बात है। फिर सपना खुद ही मेन स्विच ऑफ कर देती है और हर बार की तरह इस बार भी ऊपर से आवाज आ रही थी। कलम्मा फौरन ऊपर जाती है। इधर एक किलर पीछे से ऊपर चढ़ रहा है। कलम्मा अपने साथ पेट्रोल की कैन लेकर ऊपर जाती है, जो कि वो नीचे खड़े किलर पर डाल देती है। किलर उसे ऊपर घूरने लगता है और पेट्रोल से बचने के लिए इधर उधर होता है, पर तब तक सपना नीचे से विंडो को ओपन कर उस पर बोतल में आग लगाकर फेंक देती है, जिससे वो किलर तो तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। उसके मरते ही वहां तब तक दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं, पर वो वहां पहुंचते ही पुलिस कंट्रोल रूम कॉल करके और बैकअप बुलाते हैं। इधर इनकी बातें तलवार वाला किलर सुन रहा होता है। कलम्मा जब अंदर आकर गेट बंद करती है तो जो किलर ऊपर आ रहा था वो वहीं होता है। और इधर हम देखते हैं घर के बाहर खड़े दोनों पुलिस वाले मर चुके हैं, उस तलवार वाले किलर ने दोनों को मार दिया। ना ऊपर सीढ़ियों से कलम्मा गिरती हुई नीचे आती है, वो सपना से अंदर जाने को कहती है, पर तब तक वहाँ हसिया वाला किलर आ जाता है और सपना की गर्दन पर हसिया रख लेता है। पर तभी कलम्मा उस किलर के पैर में चाकू घोंप देती है, जो शायद उसने किचन से लिया था। इस वजह से सपना मौका पाकर अपनी व्हीलचेयर का फुट हैंडल निकालकर उससे किलर के सिर पर वार करती है। किलर घायल तो होता है और सपना को चेयर से गिरा देता है, पर सपना के हाथ में फिर से वो हैंडल आ जाता है और वो उससे तब तक उस किलर को मारती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। इससे पहले दोनों रूम के अंदर तक जाते वहाँ तलवार वाला किलर भी आ जाता है। दोनों सरक सरक कर रूम के अंदर जाने लगते हैं, पर किलर कलम्मा को खींचकर बाहर कर देता है और खुद सपना के पीछे अंदर रूम में चला जाता है। सपना सरकती हुई ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचती है और उसमें पैर मारकर कांच को अपने ऊपर गिरा लेती है। कांच टूट जाते हैं तो वो ड्रेसिंग के नीचे टूटे कांच को लेकर तैयार खड़ी थी, पर किलर उस ड्रेसिंग को हाथ से न उठाते हुए पैर से उठाकर फेंकता है और सपना जिस हाथ में कांच पकड़ी थी उसी को टॉर्चर करने लगता है। पर फिर सपना दूसरे हाथ में कांच का टुकड़ा पकड़कर सीधे किलर की गर्दन में घुसा देती है और देखते ही देखते इस किलर की भी डेथ हो जाती है। और यही 12 बज जाते हैं। न्यू ईयर की आतिशबाजियों की आवाज आने लगती है और यहाँ हर तरफ घर में खून ही खून होता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। ये थी इस मूवी की स्टोरी। ऐसी कोई मूवी हॉलीवुड में बनती है तो बड़ी तारीफ होती है, पर अगर यही इंडिया में बने तो कहते हैं ये क्या चुस्पा था। और जिनको ये मूवी कॉन्सेप्चुअल लगी उनके मन में मूवी देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस तो जरूर उठे होंगे और कुछ के जवाब उन्हें खुद मिल गए होंगे। दरअसल इस मूवी को बिल्कुल एक गेम की तरह बनाया गया था, जैसे जब हम कोई गेम खेलते हैं लेकिन टफ सिचुएशन आने पर कभी तो हम उससे जीतकर आगे बढ़ जाते हैं और कभी वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन गेम में कुछ जगह सेविंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि जहां तक पहुंचकर हमारी डेथ होती है हम उसी के पास वाले सेविंग पॉइंट से दोबारा खेल सकते हैं। पर इस प्रोसेस में हमारे पास या तो दो लाइफ होती है या तीन, और इन्हीं लाइफ में हमें गेम पूरा करना होता है। बस ठीक यही सिचुएशन इस मूवी में थी।
31 दिसंबर की रात 11 बजे सपना का एक सेविंग पॉइंट था और उसके पास 3 चांस थे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। लेकिन सबको पता है रियल लाइफ में ये चीज टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि अमृता की आत्मा उसकी हेल्प कर रही थी इसलिए सपना मरकर बार बार जिंदा हो रही थी और टाइम बार बार वहीं से स्टार्ट हो रहा था, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मूवी को लॉजिकली देखा जाए तो ये किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं। यहाँ तक कि किसी भी आत्मा के लिए भी किसी इंसान को जिंदा करना और वक्त को बार बार रिवाइंड करना पॉसिबल नहीं। बस सोल बाउंड्री लेस होती है, मतलब कि उसके लिए किसी यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो कहीं भी आ जा सकती है। ये बात तो सही है, सपना के ब्लड में अमृता की जो एस थी तो समाओ सपना अमृता की सोल से कनेक्ट थी। अमृता ने भी सपना की सिर्फ इतनी हेल्प की, जैसे अमृता ने अपनी मौत को 3 बार हराया था, एक तरीके से उसका 3 बार जन्म हुआ। ठीक वैसे ही अमृता ने सपना को 3 चांस दिए, पर वो कैसे, क्योंकि कोई भी मरा हुआ पर्सन जिंदा नहीं हो सकता। दरअसल हुआ ये, फर्स्ट और सेकंड टाइम जो कुछ भी हुआ सब सच था, पर अलग यूनिवर्स में, मतलब अलग रियलिटी में। जी हाँ, फर्स्ट रियलिटी में सपना सच में ही मर गई, पर उसकी मेमोरी को अमृता की सोल ने सेकंड रियलिटी के सपना में ट्रांसफर किया, जैसे कि सोर्स कोड में उस मशीन ने किया था। अगर सोर्स कोड मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक्स हो रही है, देख लेना। अब सेकंड रियलिटी में जब सपना उठती है तो एक टैटू हटाकर अमृता उसे ये इंडिकेट करती है कि तुम्हारे साथ लाइफ में जो हादसा हुआ उसके लिए तुम हमेशा खुद को कोसती थी कि ये मैं कर सकती थी, ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, पर कुछ भी होने के बाद ये सोचने का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। पर अब मैं तुमको चांस दे रही हूँ कि उस रियलिटी में नहीं तो इस रियलिटी में तुम खुद को बचा सको और वो सब कर सको जो तुम पहले नहीं कर पाई, क्योंकि वो सब अचानक से हुआ। पर अब तुम्हें पहले से पता रहेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन सेकंड टाइम भी सपना पूरे तरीके से सक्सेस नहीं हो पाई। फिर थर्ड टाइम एक न्यू रियलिटी में दोनों रियलिटी की मेमोरी सपना के अंदर होती है। जब एक टैटू बचता है तो ये शो करता है दिस इज दी लास्ट चांस और बस अब तुम अपना जितना बेस्ट दे सकते हो दो। और फाइनली वो इस रियलिटी में खुद की जान बचा पाती है, पर वो भी तब जब उसे सारी चीजें पहले से मालूम थी। बस यही इस मूवी का एक राइट एक्सप्लेनेशन है। कैसा लगा आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।